द मिलो वियडक्ट ब्रिज, जो फ्रांस में स्थित है, मानव कुशाग्रता और इंजीनियरिंग क्षमता का एक साक्षात्कार है, जिसका सम्मानित खिताब विश्व के सबसे ऊंचे पुल का है। इसकी ऊंचाई और सुंदर डिजाइन के साथ पुल टार्न नदी पर फैलता है और मिलो और क्रीसेल्स के क्षेत्रों को जोड़ता है। प्रसिद्ध आर्किटेक्ट नॉर्मन फॉस्टर और स्ट्रक्चरल इंजीनियर मिशेल विरलोगो ने मिलो वियाडक्ट की डिजाइन की, जो 2004 में 3 साल के निर्माण के बाद पूरा हुआ। इसकी सबसे ऊंची बिंदु पर 343 मीटर 125 फीट की ऊंचाई तक उठते हुए पुल ईफेल टावर से भी ऊंचा है, जो इसे आधुनिक इंजीनियरिंग का एक अद्वितीय उपलब्धि बनाता है। मिलो वियाडक्ट न केवल एक महत्वपूर्ण परिवहन संचार का नेतृत्व करता है, जो यातायात की भीड़ को कम करता है और पेरिस से मेडिटेरेनियन किनारे तक के सफर का समय कम करता है, बल्कि यह एक प्रसिद्ध प्रतीक और फ्रांसीसी इंजीनियरिंग की उत्कृष्टता का प्रतीक भी बन चुका है।